नमस्कार। जैसे कि हम आज देख रहे हैं, हमारा युवा अमीर होने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगता है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते काम करने की सोचने लगता है, काम करते करते औरों की अचीवमेंट्स को देख के कि मैं भी किसी तरह से कैसे जल्दी अमीर हो जाऊं, शॉर्टकट देखने लगता है। मेरे प्रिय भाइयों, बच्चों, दुनिया में कोई किसी चीज का शॉर्टकट नहीं बना। हम सुनते हैं, हमारे मोदी जी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर थे। भाइयों, चाय उन्होंने 8-10 साल की उम्र में बेची होगी, चीफ मिनिस्टर वो 50 साल की उम्र में बने होंगे। उस 40 साल के संघर्ष और सफर को किसी ने देखा है? ऐसे ही कह देते हैं कि अंबानी जी कभी तेल भरते थे पेट्रोल पंप पे, आज उनके तेल के पंप है। वो 18-20 साल में तेल भरते थे, आज उसको 50-60 साल बाद तो वो बीत चुके हैं। जो ये सफर तय होता है, ये बहुत एक संघर्ष का सफर तय होता है। आज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, आज आपने बिजनेस शुरू किया है। अपने को टाइम दो, चीजों को सीखो। आने वाले समय में आप जो मिशन, जो चीज सोचोगे, जो आप सोचने की क्षमता कर सकते हो, वहां तक आप अवश्य पहुंचेंगे। एक जो जर्नी होती है पढ़ाई के बाद व्यापार की, एंटरप्रेन्योर बनने की, ये एक प्रॉपर शुरू होना ही एक बड़ी बात है। फिर आप उस पे कीप वॉकिंग, चलते रहें चलते रहें, सोचते रहें समझते रहें। आने वाले समय में आप जिससे इंस्पायर हैं, उससे भी ज्यादा अच्छी जगह आप पहुंच सकते हैं। ये शॉर्टकट जो होते हैं, हमारे को झरनों में ले जाते हैं, हमारी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं, हम लोगों का करियर चौपट हो जाता है। जो भी आज इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, क्रिमिनल हो रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल वजह से, उन्होंने ये सोच के नहीं किया होता कि हम क्राइम करने जा रहे हैं, क्रिमिनल बनेंगे। जितने भी आज इस तरह की सजाएं भुगत रहे हैं, एनपीए हो गए, बिजनेस बर्बाद हो गए, जेल हो गई, इन सब ने व्यापार करने की सोची थी, व्यापार करा। जिन्होंने क्राइम करना होता है, उनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो शॉर्टकट है, उससे हम भटक जाते हैं, शॉर्टकट से लाइफ खराब हो जाती है। किसी को भी आप तरक्की वाले व्यक्ति को देखेंगे जिसने तरक्की की, करोड़ में से 10, 20, 50 व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम समय में बढ़ गए। खाली हम उन्हीं को ना देखें, उन लोगों को भी देखें। अगर एवरेज देखें तो 90% लोगों ने 50 साल की उम्र में आके अपनी तरक्की को पाया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया। जो हम बड़े नाम बोलते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो नेता हो, लेकिन ये नहीं कि 50 साल तक वो जीते नहीं है। जब आप अपनी क्लासों में उत्तीर्ण होते रहते हैं, अच्छे नंबर लाते रहते हैं, तो आप ये देखिए जो आपकी उम्र के लोग हैं, जिनके साथ आप जी रहे हैं, जो आपका सर्कल है उसमें आप अच्छे हैं, वो आपकी खुशी का और अचीवमेंट का सबसे बढ़िया पैरामीटर है। और आप चलते रहिए, 20-30 साल की उम्र में आप नई चीजें सोच रहे हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। व्यापार है, अप आ रहा है, डाउन आ रहा है, अगर आप शॉर्टकट नहीं कर रहे तो अप डाउन को आप झेल जाएंगे। व्यापार आपको टाइम देता है, अगर जब तक आप छोटे व्यापार को आस्ते आस्ते बड़ा कर रहे हैं, आपको टाइम देता है। बड़ी बार आपको नेगेटिव परिस्थितियां आती हैं, तो उनको प्रतिकूल समय को अनुकूल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अपने को टाइम दीजिए, आपने जो सीखा है समझा है उसके आगे बढ़िए। ये तो हो नहीं सकता कि अगर आपकी काबिलियत है तो आप पीछे रह जाए। आपकी काबिलियत अगर है तो आप आगे जाएंगे ही जाएंगे। काबिलियत किसी भी एंटरप्रेन्योर को नहीं रोक सकती। काबिलियत के साथ पेशेंस, और आपको क्या आता है, आपको कितना आता है, ये आपको जानना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता होनी चाहिए। आपकी वीकनेस क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ के आगोश में हम आगे भागते हैं, पर अपनी वीकनेस को हम नहीं कैलकुलेट करते, उससे हम गिर जाते हैं। अगर व्यापार को, तो जितना आपको व्यापार करना है, 3 गुना व्यापार के लिए पैसे की आपको इन्वेस्टमेंट का रेंज होना चाहिए। पहली इन्वेस्टमेंट तो व्यापार समझने में चली जाती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट संभालने में चली जाती है, तीसरी इन्वेस्टमेंट से बड़ा होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया। अगर आप बहुत बड़ा व्यापार करने को जा रहे हैं, एक आप दुकान चला रहे हैं, रेडी चला रहे हैं, छोटे मोटे काम तो आप अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो तो आपकी काबिलियत है। आप नौकरी करेंगे तो भी 1 लाख कमा लेंगे, व्यापार करेंगे 2 लाख कमा लेंगे। जिनको बहुत बड़ा व्यापारी होने की इच्छा है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होने की इच्छा है, बहुत बड़ा ब्रांड बनाने की इच्छा है, तो उसके लिए आपको अपने को टाइम देना पड़ेगा।